पी वेक्टर, अंडरस्टैंड? आपने जैसे एक पॉइंट पर एक बनाया वेक्टर, एक यहां पर वेक्टर है ठीक है, जो एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है लाइन एल से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ध्यान रखिएगा ठीक है। ये एक एपी वेक्टर है जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट कर लिया, तो ये इसको हमने ए से एक लेटर हम ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं ठीक है। तो हमने एपी वेक्टर को ए वेक्टर ले लिया और लाइन को हमने बी वेक्टर ले लिया, ले लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमको लिखना है यहाँ पर टास्क ये है कि देखिए अब हम मेन चीज पे जा रहे हैं, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी इज पी वेक्टर, तो जो ए बी का जो प्रोजेक्शन होगा, इट इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी इज पी वेक्टर, and the magnitude and its magnitude and its magnitude is AB cos theta. Just only class learn this one. मतलब आपको जो ध्यान रखना है कि जो हम AB का जो projection find करेंगे, it is P vector, और जो P वेक्टर की वैल्यू होगी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा ठीक है, वो होगा आपका ए बी इंटू कॉस थीटा, या कि क्या आ जाएगा, इट दैट मींस द पी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी डॉट ए बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ये पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। खाली आपको ये फाइंड आउट करना है ठीक है। अब इस क्लास इस प्रोजेक्शन के अंदर कुछ सिंपल सिंपल ऑब्जर्वेशन है, थोड़ा सा आप उसको कॉपी कर लीजिए, और ये हमारा फर्स्ट पार्ट पार्ट हो गया ठीक है। यस, नोट डाउन इन कॉपी क्लास। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने यहां पर मेंशन किया, भी इसको आपको लर्न कर लेना है। वो तो आपने कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया, प्रोजेक्शन होता क्या है, कैसे फाइंड करोगे, हाँ वो भी आपको लर्न करना है जो मैंने प्रीवियस दिया, कि अगर ए बी वेक्टर किसी लाइन के ऊपर, जैसे आपकी लाइन ये एल है, पी वेक्टर है, ये पी वेक्टर है ठीक, फिर से बता रहा हूं, और आप इस पर ये ए बी लाइन है, तो प्रोजेक्शन ऑफ दिस पेंसिल, ये दोनों वेक्टर है, चौक भी वेक्टर है, पेंसिल भी वेक्टर है ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर पेंसिल इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चौक इनटू कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन चौक एंड पेंसिल, इट्स वेरी सिंपल वे, जस्ट लर्न इट ठीक है। अब अगर ये तो आपका ए बी, ये तो फॉर्मूला आ गया ए बी कॉस थीटा, अब सपोज करो अब ये दोनों आपके वेक्टर है, अभी वेक्टर भी है यहां पर जैसे पहले लिया, तो वहां तो हमने फाइंड किया। देखो आप देखो स्टूडेंट्स, हर चीज का एक ऑल्टरनेटिव भी दिया जाता है, जैसे यहां पर एंगल गिवन है, आपने फट से फाइंड कर लिया, ये हो गया ए बी, प्रोजेक्शन ऑफ दिस पेंसिल इज, बहुत ध्यान से बात सुनना, प्रोजेक्शन ऑफ दिस पेंसिल जो ऊपर होता है उसको फाइंड आउट करते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर पेंसिल इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चौक इंटू कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन चौक एंड पेंसिल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमारा ये स्टेटमेंट फिर से रिपीट करो, क्लियर? इस तरह से अब इसी कॉन्सेप्ट से, बेसिक कॉन्सेप्ट भाई वैलिडिटी होता है, इसी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से सारे कॉन्सेप्ट आगे हमारे ऑब्जर्वेशन आए। हमारे कॉन्सेप्ट क्या रहे क्लास, हमारे ऑब्जर्वेशन क्या रहा है यहाँ पर, देखो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन अ लाइन और ऑन अ लाइन एल ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहां पर क्लास यहां पर देखो, अब मैंने यहां पर क्या अंडरस्टैंड किया, मैंने यहां पर क्या लेट किया है, लेट ये किया है कि जो हम लाइन एल लेते हैं, देखो क्लास ये लाइन एल है आपका, और ये आपका एक वेक्टर है ठीक है, क्लियर? मैंने इस लाइन एल की अलोंग एक और वेक्टर ले लिया है, जो हम कैप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैंने बोला कि ये पी वेक्टर था, ये पी वेक्टर है, ये ए बी वेक्टर है, ये आपको फिगर हम याद होगा ना, फिगर हम ऐसे बनाते थे, ये हमारा फिगर आप कैसे होता था, ये आपका होता था पी वेक्टर और यहां आपका होता था ए बी वेक्टर ठीक है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट आपका बी, जिसको हम ए वेक्टर से हम रिप्रेजेंट करते थे, आपको हम ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करते थे ना। अब मैंने लाइन पी के अलोंग एक लिया है यूनिट वेक्टर, तो इसकी अलोंग लाइन एल के अलोंग लिया है यूनिट वेक्टर, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी कैप से, तो ये क्लास आपकी लाइन पी है, लाइन एल है पी वेक्टर, इसके अलोंग आपने लिया पी कैप यूनिट वेक्टर, और ये आपका ए बी है, इसे आप बोलोगे ए वेक्टर, कंफ्यूज मत हो, बहुत सिंपल है।
अब आपको फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी ऑन अ लाइन एल व्हेन पी क्या, पी क्या मींस यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन एल इज गिवन. सो हाउ डू आई फाइंड, सो द आंसर इज ए वेक्टर डॉट पी क्या, इज वेरी सिंपल फिनिश. आप ए वेक्टर को पी कैप से मल्टीप्लाई डॉट करोगे आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, अब पी कैप कैसे निकालोगे, पी कैप को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, पी कैप इज इक्वल टू पी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी. यहां से आपका आ जाएगा पी वेक्टर, इसको ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा. इसको मैंने फिर से फॉर्मुलेट किया है नंबर सेकंड पार्ट, फिर से देखो आप यहां पर, यानी प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए बी, मैंने यहां पर ए बी वेक्टर है, इसका प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है ऑन अनदर वेक्टर बी वेक्टर. एक को मैंने ले लिया बी वेक्टर, मतलब कि सपोज करो ये आपका बी वेक्टर है और ये आपका ए वेक्टर है, आपको इस ए वेक्टर का फाइंड करना है प्रोजेक्शन. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे, तो यहां पर होगा ए वेक्टर डॉट बी कैप, इट इज ए वेक्टर डॉट बी कैप वैल्यू क्या आएगी, बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी. ठीक है, ये हो गया ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी. ठीक है, ये आपका आंसर है. तो क्लास आपको लर्न क्या करना है, यहां पर आपको लर्न करना है ए फॉर्मूला लर्न करना है, और एक तो ये पॉइंट आपको लर्न करना है, ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्लॉक है हमारे क्वेश्चन करने के लिए, कि अगर हमें कोई भी चीज आ रही है इस ब्लॉक से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लास क्लियर है, सारे पॉइंट्स को आप नोट करो कॉपी में. क्लास इन द नेक्स्ट वीडियो we will resume the question based on dot product and the projection of a vector.